जरा दिल्ली ने हमारे ताऊ का आदरणीय मुक्त श्रीवास्तव मैम के बारे में बच्ची जी और हमारे प्यारे विद्यार्थी हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को 1 नवंबर को मनाया जाता है और जिसे हमने मनाया था उसके अंतर्गत आज 5 तारीख को शिक्षा विभाग द्वारा इसी नाटक की प्रस्तुति के लिए आज हम सभी फिर से एकत्रित हुए इस नाटक में हमारे विद्यार्थियों ने जितना उनसे संभव हो सका उन्होंने प्रयास किया है रेशम का सपानों का और चरित्रों में डूबने की कोशिश भी की है संभवतः उनसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं उन्हें आप सभी बड़े दिल से माफ करना इसकी फोटो वीडियो भी हम ऊपर भेजनी है छोटे से नाटक में हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने मेहनत की है तो चाहेंगे कि आप सभी उन्हें प्रेम से सुने समझे और उनका उत्साह वर्धन करें आप सभी नाटक के कैरेक्टर सभी तैयार हैं तो तैयार हैं आप सभी Thank you.
बार माता की जय, बार माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहानी तो अब शुरू होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद। लोहे का शरीर आप मुझो पर ताव, आंखों आजादी का सपना, ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों को जड़ों से हिला दिया। आजाद के सभी साथियों, लाला जी की मौत का बदला जरूर लेगी। पंडित जी ने जरा सवाल कर काम लेना होगा। साथियों, हमें जो से नहीं हो उससे काम लेना होगा, किसी भी काम को तो सारा टाइम ध्यान देना होगा। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखला सी गई। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह, बटुकेश्वर दल और राजगुरु 8 अप्रैल 1919 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दल ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। असल में न्यायालय को अपना विचार मंत्री बनाना चाहते थे। आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी किसी मुखर की सूचना पर सशस्त्र पुलिस बल उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस वाला कहता है, करीब 2 घंटे तक आजाद उस पूरी परिस्थिति को रोककर रखते थे और अंत में सिर्फ एक ही गोली बनती और अब आजाद का जीवन रुक गया। मन की गोलियों का सामना किया है। आजाद जय, आजाद है और आजाद जय। इस तरह वंदे मातरम का नारा बोलते हुए भारत माता की जय घोष के साथ और जिस साल से जिया उसी साल से शहीद। चलिए उनकी याद में हमें गाना उन्हें अर्पित करते हैं।
मतलब भरिन्छ नि एक बातचीत करते हैं
वैसे ही भाव आना चाहिए। तो आपकी जो कथानक है, जो नाटक है, वो सही सफल माना जाएगा। देशकाल वातावरण हम कब पहुंच गए, चंद्रशेखर आजाद के समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहुंच जाना चाहिए। इतनी जो पब्लिक बैठी है ना, श्रोता दर्शक, वो सब वहां पहुंच जाना चाहिए, तब वह नाटक सफल माना जाता है। बहुत अच्छा, बच्चों ने प्रयास किया। ऐसे ही आप हर क्षेत्र में बढ़ते रहेंगे, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद। और 26 जनवरी को ये सारे विश्लेषण होंगे आपके विधि काम करेंगे। और आसपास सबको प्रेरित करता है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। अब इसी रास्ते में रंगोली भी हमने किया था, रंगोली कॉम्पिटिशन। तो उसमें प्रथम जो है वो है जया लोहार 9th क्लास। हम सभी को 26 जनवरी को पुरस्कृत करेंगे। तुलसा विश्वकर्मा ये 2nd स्थान पर, ये है तुलसा। और तृतीय स्थान पर पूर्णिमा लोधी 10th क्लास। तो इस प्रकार ये हमने साप्ताहिक जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप लोगों ने भाग लिया। और ये नाटिका का हमने कर चुके थे पिछले बार, है ना, ये तो सामूहिक। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को भी।